हेलो दोस्तों, पॉसो फिनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप इनको तो जानते ही होंगे, राकेश झुनझुनवाला साहब है। तो इनका एक कोट है, और बहुत फेमस कोट है, आप लोग जानते भी होंगे कि आई डोंट लाइक टू गो एवरी पार्टी इन द टाउन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। हर एक मतलब इधर रैली हो रही है तो इधर भागना, उधर रैली हो रही है तो उधर भागना, इस तरीके से नहीं भागा जाता। इसलिए देखिए, कल की डेट में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, अगर मैं यहाँ पर आप दिखा देना चाहता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक, अगर यहाँ पर ये देखिए, ये जो शेयर यहाँ पर देखिए, FISDIS दोनों ने हिस्सेदारी कम है। और ये था कौन सा शेयर था? ये था आपका एल्काइल अमाइंस स्टॉक था, मैंने यहाँ लिखा है बी बिवेयर। कल की डेट में ही यहाँ पर वीडियो अपलोड करी थी और आपको बताया था बी बिवेयर, मतलब कंपनी बेहतरीन है, नो डाउट। बट 5 दिन में 41% के इसने रिटर्न दिए थे। और इसलिए मैं आपको वो कोट याद दिलाना चाहता हूँ राकेश झुनझुनवाला की, आई डोंट लाइक टू गो एवरी पार्टी इन द टाउन। इसका मतलब सिंपल है कि हर एक पार्टी में कोई ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, हर एक रैली को कैच करना ज़रूरी नहीं है, वरना आप अच्छे खासे फंसते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और नीचे काफ़ी सारी वीडियो अपलोड होती रहती है डेली वाइज, तो आप जाके देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को बीट करिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिल जाए। और अगर बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराए। और यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर श्री राम जी का युद्ध में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहे दान दे सकते हैं। तो मैं क्यों कह रहा था कि राकेश झुनझुनवाला का कोट क्या है कि ही डोंट लाइक टू गो एवरी पार्टी इन द टाउन, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, एल्काइल अमाइंस 3-4-5 दिन की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा आपको भागता हुआ नज़र आया। 4,000 रुपये पे शेयर चल रहा था, उसके बाद 8,400 के आसपास ये भागता हुआ नज़र आया। बट आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है, लगभग 7% शेयर गिरा हुआ है। और कल की डेट में जब वीडियो बनाई थी तो बताया था कि थोड़ा बिवेयर हो जाओ, ये शेयर गिर सकता है क्योंकि बहुत तेज भाग लिया है। ऐसा कुछ जादू नहीं करके दिखाया है इस शेयर ने कि क्या कहते हैं, ये शेयर भागी जा रहा है, और इसमें ऑपरेटर्स भी हावी हो सकते हैं, वो भी फंसाने के पूरे चांसेस रहते हैं उनके। तो इसलिए यहाँ पर शेयर 20% के अपर सर्किट लगाता हुआ नज़र आ रहा था। अगर देखते हैं कल की डेट में, यहाँ देख सकते हैं अपर सर्किट लगता हुआ हमें नज़र आया था, तो इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि इस शेयर की से थोड़ा सा अभी शांति रखो इस शेयर में इन्वेस्ट करने में, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है। ये सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी कल की वीडियो में बनाई है, उस वीडियो को जाके डेफिनेटली देख लीजिएगा, आई बटन पे ऊपर लिंक दे दूंगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा। अगर देखी जाए आज की डेट में 96,000 शेयर की यहाँ पर डिलीवरीज हुई है। और इसके अलावा बात करें हम और भी चीज़ों की, तो सेम बालाजी अमाइंस, आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी गिरावट 2% से के लगभग गिरावट यहाँ पर होती हुई नज़र आई है। और बात करें दीपक नाइट्रेट, ये फ्लैट बंद होता हुआ हमें नज़र आया है। तो पैसा ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से अदर प्लेस पे, तो आपको ना ऊपर फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर रैली कैच करनी है तो फर्स्ट डे में कैच करिए, या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जब आपको रैली का फ़ायदा मिल रहा है तो लीजिए। बट न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ के बेस पे आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो और 5 दिन तक इन्वेस्ट कर रहे हो और आप लास्ट में फंस गए होंगे 8500 पे, तो आपको 8400 के आसपास, तो आपको बताना चाहता हूँ इसमें होल्ड करिए। एक जंप दिखा सकता है जब इसका अभी स्प्लिट होता हुआ नज़र आएगा। और इसका स्प्लिट कब होगा तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट दे रखी है, 10 तारीख को यहाँ पर आपके अकाउंट में, 12-13 तारीख के आसपास ये यहाँ पर एक बार जंप दिखाता हुआ शायद हमें नज़र आ सकता है, बाकी रिजल्ट का वेट करिए। सेम हेयर अगर बात करें वेब ऑफ ग्लोबल तो देखिए उस दिन भागा ही नहीं था, कुछ ज़्यादा खास भागा भी नहीं है। बट ये अपने उसी रेंज में अगर बात करें कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, इसी रेंज में आपको कंसोलिडेट करता हुआ पिछले एक महीने से नज़र आ रहा है, और इसमें भी स्प्लिट की न्यूज़ आपके सामने है। और बात करें देखिए शेयर बाजार क्यों भागा है, अगर
अगर यहाँ पर देखते हैं निफ्टी, निफ्टी 50 में लगभग 1.44% आपका अगर बैंकिंग के स्टॉक, फाइनेंस के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो एट द टाइम आपको फ़ायदा आज की डेट में हुआ होगा। अदरवाइज आईटी थोड़ा सा साथ दिया था, बट आईटी को इग्नोर करिए, ओके इग्नोर करिए आप मेडिकल फार्मा के स्टॉक्स को, ओके कुछ इनमें नहीं थी, बट ये जंप केवल एक वजह से थी। और वो वजह क्या थी, तो वो वजह थी सिंपल, एक इंडेक्स है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक इंडेक्स है निफ्टी बैंक, ओके निफ्टी बैंक में लगभग 1000 पॉइंट्स की जंप थी, ओके 3% ये भागता हुआ नजर आया। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स है SBI, RBL, PNB, कोटक महिंद्रा, ओके यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर देखेंगे एज वेल एज फाइनेंस की कंपनियाँ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो ये सारी की सारी भागती हुई नजर आई थी। वो किसी में 10%, तो किसी में किसी में 5%, तो किसी में 3%, किसी में 2%, इस तरीके का जंप लगते हुए हम साफ देख सकते हैं। तो इसके अलावा बात करें बजाज फाइनेंस कल की डेट में रिजल्ट बनाए थे, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो नीचे यहाँ पर वीडियो है, यहाँ पर देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के मैंने यहाँ पर रिजल्ट आपको देते हुए नज़र आया था, दिखाए थे, और मैंने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस में आप इन्वेस्ट करके रखिए। बजाज फाइनेंस अच्छा खासा शेयर है, भागता हुआ कल नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आज के दिन में 8% की जंप, और यहाँ पर 3.5-4% की जंप, लगभग 10,480 का ये शेयर चल रहा है बजाज फिनसर्व। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह है रिजल्ट, जो कि आज की डेट में अनाउंस शायद हो गए होंगे। तो मैं अभी आपको वीडियो, अगर ये होगा तो 3-4 वीडियो में, जो मतलब एक ही में 3-4 रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा HUL के, बजाज फिनसर्व के, SIS के, तो उस HUL के सॉरी कल की डेट में रिजल्ट है, तो जो भी आज की डेट में रिजल्ट होंगे वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही कल की डेट में मैंने मल्टीपल शेयर से रिलेटेड एक ही वीडियो में आपको डाल दिया था, इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो थी। और बाकी बताना चाहता हूँ थोड़ा, ये जो मार्केट है ओके यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ओके और अभी भागता हुआ नज़र आ रहा है, एक पर्टिकुलर दायरे में ही ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 3,60,000 केसेस आए हैं 27 तारीख को, ओके तो बताना चाहता हूँ प्रॉफिट बुक करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। लॉन्ग टर्म आपके, अगर आपके हाथ में पैसा होगा ना तो स्टॉक वाइज हमेशा आपको मौका मिलता रहेगा। अगर बात करें एक पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक को ले लीजिए, ऊपर गया है तो नीचे भी आया है, फिर ऊपर गया है तो फिर नीचे आया है, तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ एक साथ इन्वेस्ट करके अभी मत रखिए, अभी वो मौका है भी नहीं। और अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिर केसेस बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियसली बात है ये केसेस और भी अगर बढ़े, 4 लाख हुए, 5 लाख हुए, 6 लाख हुए, तो मार्केट आपको फिर गिरता हुआ नजर आएगा, और बुरा वाला गिरता हुआ नजर आएगा, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी, ये सारे शेयर से रिलेटेड मेरे को बात करनी थी। सो हमेशा एक कोट को हमेशा याद रखिए कि बड़े लोग जब कोट बोलते हैं कुछ, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसे हमें समझना होता है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बिहेव करते हैं तो हम ट्रैप से बच जाते हैं, जो कि हम एल्काइल अमाइन्स के ट्रैप से लास्ट स्टार्टिंग में रैली हुई, अच्छी बात है आपके पास जिनके पास शेयर थे वो भागे, बट अभी जो जिन्होंने 8400 पे खरीदा होगा वो ट्रैप हो चुके हैं, वो ट्रैप भी नहीं हुए हैं, उन्हें टाइम देना पड़ेगा सिंपल। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाई सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए, खुद की स्टडी करिए। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।